नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? डोली पांचाल। बहन जी आप कहाँ से आए हैं? हरकेश नगर ओखला दिल्ली से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 2013 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, मैं जो हिंदू धर्म में देवी देवताओं की जो भी पूजा होती है वो सभी करती थी, और हमारे पापा जी ने जो गुरुजी का नाम लिया हुआ था वो हमें भी दिलवाया था, राजेंद्र सिंह जी महाराज का और आशुतोष जी महाराज का। बहन जी क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सतगुरु रामपाल जी महाराज से पापा ने नाम लिया था सबसे पहले, और उन्होंने ही संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान हमें समझाने की कोशिश की, पर शुरू में तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, और फिर परमात्मा की दया से सतगुरु रामपाल जी महाराज की किताब ज्ञान गंगा पापा ने दी पढ़ने के लिए कि बेटा इसको पढ़ो, इसमें ज्ञान है और इस ज्ञान को समझो, और पहले वाले गुरुओं की तरह ही हमने भी उस ज्ञान को मतलब सोचा कि ये भी ऐसे ही होंगे और इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। फिर उस बुक को लेके मैं अपनी ससुराल चली गई और फिर वहाँ पे मैंने जाके उस किताब को आराम से पढ़ा, और जब मैंने ज्ञान पढ़ा तो मेरे को ज्ञान बहुत ही अच्छा लगा और लगा कि हाँ सच्चाई यही है और यही सही भक्ति है और यही पूर्ण परमात्मा, यही पूर्ण संत है और हमें अब इन्हीं की भक्ति करनी चाहिए। मेरे ससुराल में किसी भी गुरु को नहीं मानते, वो कहते हैं हमने तो कभी हमारे पूर्वजों ने भी गुरु नहीं बनाया तो तुम कैसे हमारे इस घर में गुरु बना सकती हो। पर मैंने ज्ञान इतना समझ लिया था कि मेरे अंदर इतनी दृढ़ता आ गई थी कि मेरे को नाम लेना ही लेना है, मुझे ये संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करनी है, और उसके लिए मैंने बहुत संघर्ष किया। काफ़ी टाइम के बाद मैंने काफ़ी मुश्किलों से अपने हस्बैंड को मनाया कि मेरे को ये नाम लेना है, यही भक्ति करनी है, इसी में मेरी आत्मा खुश होएगी, मैं खुश नहीं रह सकती इस भक्ति के बिना। तब जाके उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है आप ले सकते हो। फिर मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली 2013 में। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे पहले तो मुझे जो भक्ति मैं चाहती थी पूर्ण परमात्मा की, वो भक्ति मिली मुझे, और फिर छोटी मोटी परेशानियां जो भी जीवन में आती हैं परमात्मा उसे अपने आप ही सुलझा देते हैं, और फिर नाम लेने के बाद मैंने अनुपासना करी जिस वजह से मुझे बहुत भयंकर बीमारी हो गई थी, बोन टीवी की इतनी खतरनाक बीमारी हो गई थी जो कि मेरी पूरी डिस्क में फैल चुकी थी, और मेरा MRI हुआ, डॉक्टर ने देख के कह दिया कि तुम मतलब अपने पैरों से भी चल के कैसे आई हो, तुम्हें तो पैरालाइज हो जाना चाहिए था, तुम्हारी इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, तुम्हारी पूरी कमर में पस पड़ गई है और इतनी ज़्यादा दिक्कतों के बाद तुम चल के कैसे आई हो। पर मुझे ये पता था मैं पूर्ण परमात्मा की शरण में हूँ, मुझसे ही गलती हुई है, उस पूर्ण परमात्मा में कोई कमी नहीं है, कमी हमारे अंदर है। फिर मैंने अपने परमात्मा से, अपने सतगुरु रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई और मैंने अपनी माफ़ी मांगी, ये परमात्मा मेरे से गलती होगी, मैंने जो अनुपासना की है मुझे अपनी गलती का पता था, मैंने कहाँ गलती की है। फिर मैंने परमात्मा से माफ़ी मांगी, सतगुरु रामपाल जी महाराज से मैंने अरदास लगाई, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दया करी और उसके बाद मेरी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगी। मेरी परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि डॉक्टर ने मुझे 18 घंटे का बेड रेस्ट बता दिया था, और बस ये कह दिया था कि आप बेड पे ही रहोगे 18 घंटे तक, और बस उठोगे तो टॉयलेट के लिए उठोगे या खाने के लिए उठोगे, वरना नहीं उठोगे, बेड पे ही रहोगे। डॉक्टरों ने मेरे को ऑपरेशन के लिए बता दिया था कि ऑपरेशन होगा, अगर दवाइयों से आपको आराम नहीं लगता तो इसका बहुत ही जटिल ऑपरेशन होगा, और उसके बाद भी ये बीमारी ठीक होती है नहीं होती है, और उसका उल्टा साइड इफेक्ट वो भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है आपको, कि कोई ऐसी नस या कोई ऐसी चीज़ आपकी ब्लॉक हो जाए कि आप ज़िंदगी भर के लिए बेड पे ही बैठ जाओ, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। जी आप ये मेरी बोन टीवी की रिपोर्ट देख सकते हैं जिसमें कि इतनी ज़्यादा परेशानी आई हुई है कि मेरी सारी डिस में ही पस फैल गई है, और इतनी ज़्यादा दिक्कत है मुझे कि कोई भी डॉक्टर देख के हैरान हो सकता है कि मतलब ये इतनी ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है। और सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आज मैं बिना ऑपरेशन के ठीक हूँ, और सतगुरु रामपाल जी महाराज की भक्ति से ही ठीक हुई हूँ। इतनी ज़्यादा परेशानी थी मुझे कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको 18 घंटे बेड रेस्ट करना है, ठीक है डॉक्टर ने बता दिया था और हमने सुन लिया, पर हमें पता था कि हम सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में हैं जो कि पूर्ण परमात्मा है। उसके बावजूद मैं 2 महीने के बाद ही ऋषिकेश पुस्तक सेवा में गई, और इतना लंबा सफ़र तय करके गई, मैं बैठ के गई 5-7 घंटे, और वहाँ पे मैंने पुस्तक सेवा करी सतगुरु रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा की, जिससे मुझे खुद को ज्ञान हुआ है, वही मैं जन जन तक पहुँचाने के लिए उस सेवा में गई, और मैं वहाँ पे खूब चली पर परमात्मा ने मुझे ज़रा सा भी कष्ट नहीं आने दिया, और मैंने
खूब मन लगा के वहाँ पे सेवा करी, और मुझे ये भी एहसास नहीं होने दिया सदगुरु रामपाल जी महाराज ने कि मुझे बोन टीवी है, कमर की हड्डी की टीवी है, कि मैं नहीं चल सकती। और परमात्मा ने मुझे, सदगुरु रामपाल जी महाराज ने मुझे खूब वहाँ पे सेवा करवाई। परमात्मा ही सब कुछ करवा सकते हैं। सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद अनेकों लाभ मिले हैं। मेरा बेटा गया हुआ था, वो भी सेवा में ही गया हुआ था, और वो दीवार पे से अचानक गिर गया, और उसने ये बताया कि मम्मी मेरे को ऐसा लगा कि कमर पे से मुझे किसी ने मेरी टी शर्ट पकड़ के मुझे खड़ा कर दिया, और मुझे सिर्फ वाइट कुर्ता नज़र आया, और गुरुजी ने मुझे बचाया है। इतना लाभ हुआ परमात्मा ने, मेरा एक ही बेटा है और उसकी जीवन रक्षा करी। मैं उस परमात्मा के कहाँ तक गुण गाऊँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, खास करके वो महिलाएं जो किसी ना किसी तरीके से परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सभी के सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो वो भगवान ही ठीक कर सकते हैं। सदगुरु रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा के अवतार आए हुए हैं, और वो हमारी सारी परेशानियों को दूर करने वाले वो ही हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना अब तो बहुत ही आसान हो गया है। साधना चैनल पे, ईश्वर चैनल पे, बहुत सारे चैनलों पे परमात्मा के सत्संग आ रहे हैं। आप जिस भी चैनल पे देख रहे हो उसके नीचे ये लाइनिंग चल रही है, उसमें नंबर दिया हुआ है। आप उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके अपने आसपास के एरिए के मतलब नामदान सेंटर पे आपका कॉल जाएगा, आप वहाँ से सारी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब।